हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि जो 2022 में यहां के गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किया था जो वर्कर भाई लोगों के लिए है, वर्कर हमारे जैसे वर्कर लोगों के लिए है, वो क्या नियम था, वही चीज़ मैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं दुबई के जॉब रिलेटेड और जो कि यहाँ का जो भी न्यूज़ होता है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में और ब्लॉग मैं बनाता हूँ। तो हमारी वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो नियम क्या था वही चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल विस्तार से करूँगा क्योंकि मैं भी एक वर्कर हूँ और यहाँ पर हमें 8 साल से ऊपर हो गया है काम करते करते और हमें जो है कि पूरी की पूरी जानकारी जो है कि हमें यहाँ पर हो चुकी है और जो भी नियम यहाँ पर अपडेट आता रहता है वही चीज़ मैं आप लोगों को सोचता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ ताकि यहाँ पर आने में और यहाँ पर रहने में जो नियम किसी को मालूम नहीं है वो चीज़ आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाए। क्योंकि कोई भी नियम कोई भी चीज़ अगर सरकार या गवर्नमेंट यहाँ की लागू करती है तो शायद वर्करों को बहुत ही कम पता रहता है और कोई बताता भी नहीं है जल्दी, इसलिए मैं सोचा हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों वो नियम क्या है वही कि जैसे मैं अपने कंपनी में काम कर रहा हूँ और हमारे कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी चल रहा है, परमानेंट 8 घंटा ड्यूटी चल रहा है और हमारे कंपनी में काम नहीं है और हमारी बेसिक सैलरी जो है कि मान लीजिए कम है, 800-1000 दरहम तक है और ख़ास करके वर्करों की जो सैलरी होती है लेबर लोगों की यही 800 से लेके 1000 1500 लाख जो सबसे ज़्यादा 1500 तक लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी रहती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी 1500 सैलरी है या 800 सैलरी 1000 सैलरी है अगर उसमें 8 घंटा ड्यूटी चल रहा है तो उसमें हमें खाना भी है और बचाना भी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो है कि 500-600-400 दरहम जो है कि खाने का महीने का खर्चा आ रहा है, तो इसलिए जो है कि 800-1000 दरहम जिसका आएगा तो उसका तो बिल्कुल कुछ पैसा भी नहीं बचेगा, लेकिन जो 1500 पाएगा उसका तो मान लीजिए कि महीने का 20 रुपया बच जाएगा। लेकिन जिसके लिए जिसका काम नहीं चलता है 8 घंटे में जो है कि 800-1000 दरहम सैलरी है उसमें से खाना है बचाना भी है, उन वर्कर भाई लोगों की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी मतलब सरकार ने यहाँ जो एक वर्करों की बहुत ही बड़ी जो है कि एक अपडेट दिया है कि जैसे हमारे कंपनी में 8 घंटा काम चलता है तो हम जो है कि दूसरी कंपनी में जाकर जो है कि किसी दूसरी कंपनी में अगर ज़्यादा काम है तो वहाँ पर जाकर जो है कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ 8 घंटा काम अपने कंपनी में रहे या न रहे 8 घंटा काम करने के बाद ही जो है कि दूसरी कंपनी में जाना है। एक बात और कि जैसे अगर मैं अपनी कंपनी में छुट्टी मार के अगर मैं जा रहा हूँ दूसरी कंपनी में काम करने के लिए तो आपको कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। क्योंकि मान लीजिए आपके ऊपर कंपनी ने जो है कि 10000 दरहम जो है कि आपके ऊपर खर्चा करके आपका वीज़ा लगाई है, मेडिकल कराई है, आपको एमरस आईडी दिए ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, तो अपने कंपनी को अगर आप कुछ भी लॉस करके जाएंगे, कुछ भी उसको अगर उसका नुकसान करेंगे तो आपको जो है कि कंपनी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो इसलिए अपने कंपनी में काम अगर है तो आप लोग काम अपने कंपनी में ही करिएगा, करना है और करिएगा, क्योंकि कंपनी अगर अपना काम छोड़ के आप लोग जाएंगे कंपनी का तो आपके ऊपर एक्शन पक्का ले लेगी और अगर काम नहीं है तो आप लोग दूसरी कंपनी में जाकर जो कि जॉब ढूंढ के काम ढूंढ के पार्ट टाइम में आप लोग जो है कि ओवर टाइम काम कर सकते हैं। अब दूसरी कंपनी में काम करने से क्या फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में अगर आप पार्ट टाइम अगर काम करें तो पैसे ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 1 घंटे का जो है कि यहाँ पर 10 दरहम 12 दरहम 15 दरहम जो है कि मिलता है 1 घंटे का। तो मान लीजिए अगर आप लोग डेली 4 घंटा ओवर टाइम किसी कंपनी में जाकर पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो आपका डेली यहाँ का 60 दरहम हो रहा है। तो आप मान लीजिए मैं 20 दिन का कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि 1200 दरहम जो है कि आपका 60 दरहम के हिसाब से 1200 दरहम जो कि महीने का ये हो जाएगा और 1000 दरहम उसका हो जाएगा, आपका 2000 से ऊपर सैलरी 2500-2600 तक सैलरी आएगा और आप लोग जो है कि अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। तो अगर लेकिन हाँ अगर आपके कंपनी में काम है भाई, मैं इस बात को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मेरी बात जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए, अपना कंपनी में काम है तो काम अपना कंपनी में ही करना है, अगर नहीं काम है तो आप लोग पार्ट टाइम जो है कि जाके जॉब कर सकते हैं। तो यही एक सरकार जो है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा नियम लाई है वर्करों के लिए, शायद किसी कोई कोई वीडियो बना के डाला है लेकिन मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये दो जो है कि फरवरी से ये चालू हो गया है और ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हमारे वर्कर भाई लोगों के लिए। तो दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियो आप लोगों को बनाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा, जो भी अपडेट यहाँ पर रहेगा वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा और यहाँ पर जहाँ भी अच्छा अच्छा आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर देखने का मन कर रहा होगा
तो आप लोग जो है कि बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो भी यहाँ का न्यूज होगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा, आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल उसका सही तरीके से जवाब दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी हो यहाँ के बारे में तो हमें बताइएगा, क्योंकि हमें भी कुछ जानकारी अगर आप लोगों को कुछ छूट गई होगी तो आप लोगों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद जय भारत।